है, ये आधी प्याज है, आधी प्याज, ये हो गई है, ये रखनी होगी गोल्डन। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये लहसुन एक जो है जिसको हमने श्रेड किया होगा वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा ये प्याज हो गई है ब्राउन, इसमें हमने लहसुन डाल के उसको भी ब्राउन कर लिया। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें ये एक टेबल स्पून सौंफ और धनिया पिसा हुआ, और ये एक, ये आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे नमक, और ये कुछ 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 6 से 7 लौंग हैं। ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसकी यकीन पकने के लिए इसको छोड़ देंगे फैलाओ के। बस ये अच्छे से पक रहे हैं, इनको भी पकने देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हमने ये लिया फूड कलर येलो, ये मैं इसके ऊपर ऐसे ही डाल दूँगी बस, तो हल्का हल्का सा कलर आ जाए ताकि ड्राई हो गया। हम इसके ऊपर फॉइल लगा देंगे। ये फॉइल इसलिए लगा रही हूँ कि ये जब हम दम देंगे तो अच्छे से दम होगा, इसमें से स्टीम बाहर नहीं आएगी। फॉइल लगा के इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं हमारे। Thank you.